आज शेविंग के लिए यूज करेंगे हम जिलेट प्रेस्टो, शेव करती है सटा सट। आज हम बात करेंगे और डिटेल में रिव्यू करेंगे जिलेट का प्रेस्टो रेडी शेवर, जो कि अगर मैं ये कहूं कि इंडिया का ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूज एंड थ्रो रेजर्स है तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये एक ट्विन ब्लेड रेजर है दोस्तों। ट्विन ब्लेड का मतलब है कि ये दो ब्लेड्स आप देख सकते हो, ये दो ब्लेड्स इसमें हैं जो कि शार्प है और इनसे ही शेविंग होती है। और इसके काफी सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है और वो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी हिस्ट्री बता दूं मैं इसके बारे में। ये फरवरी 1993 में लॉन्च हुआ था, यानी कि एग्जैक्टली 28 साल पहले ये रेजर लॉन्च हुआ था, जब जिलेट ने इंडियन ब्रांड एक्वायर किया था और उसके साथ में मर्जर करके उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने जिलेट प्रेस्टो रेडी शेवर लॉन्च किया था। इसको बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है, बड़ा ही सिंपल, क्योंकि दो ब्लेड है और एक ही पास में ये ज्यादा क्लोज शेविंग रहेगा। ये मोस्ट पॉपुलर इसलिए क्योंकि चाहे आप किसी भी गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको जिलेट का प्रेस्टो वाला ये रेजर हर जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए इससे पहले शेविंग एक्सपीरियंस लेके देखते हैं और फिर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों अब शेविंग एक्सपीरियंस लेते हैं जिलेट प्रेस्टो से और एक ही पास करेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे। तो जैसे हमने इसको जो है हमारे शेविंग के एरिया में प्लेस कर दिया और बिल्कुल भी कम प्रेस करते हुए इसको धीरे धीरे हम शेव कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रिंस करते जा रहे हैं ताकि कोई भी बाल या शेविंग जेल इसमें फंसा ना रह जाए। ठीक है, शेविंग करना कोई मुश्किल नहीं, इससे आसान है। और ये तो आप छोटा सा रिव्यू वीडियो देख रहे हो जिसमें हम जिलेट के प्रेस्टो रेडी शेवर का डिटेल देख रहे हैं, लेकिन आप शेविंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर देखना जिसमें पूरा फुल शेविंग एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करूंगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही, शेविंग आराम से हो रही, लेकिन हल्की सी टगिंग जो है, हल्की सी जो ऐसा लग रहा है कि बाल और स्किन खिंचा रहे हैं वो डेफिनेटली फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, ट्रेडिशनल जो हमारा फावड़ा होता है, डी शेवर होता है, डबल एज रेजर, वैसा तो नहीं लग रहा है, इसकी फीलिंग डिफरेंट है, काफी लाइट वेट है ये। इससे कटने वगैरह का डर थोड़ा कम है, ये बात तो सही है। खास करके चिन एरिया जो है, ट्रबल स्पॉट, वहां पे शेविंग करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है जिलेट प्रेस्टो रेडी शेवर के साथ में, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से शेविंग हो रही है, कोई कटने का डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये शेविंग हो गई फटाफट सटा सट, जैसे कि जिलेट प्रेस्टो का स्टेटमेंट है, सटा सट शेविंग के लिए। और बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा ये है कि क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड ब्लेड के साथ में आता है, कोई एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, जितना गैप है उतना ही है, एंगल भी वेल मेंटेन्ड है, इसलिए आपको कट लगने के चांसेस एकदम मिनिमम हो जाते हैं। शेविंग का एंगल ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान से सिर्फ आपको प्लेस करना है और शेव कर देना है धीरे से, चाहे तो आप छोटे स्ट्रोक्स लो या फिर लंबे स्ट्रोक्स लो, आपके प्रेफरेंस के हिसाब। इसमें ब्लेड चेंज वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, तो जैसे थ्री पीस रेजर में या किसी और रेजर में आपको ब्लेड चेंज करना पड़ता है, वैसे इसमें कोई झंझट नहीं है, जितने बार आपको शेव हुआ यूज करो, फेंक दो। इसका जो हैंडल है या बॉडी है वो पूरी प्लास्टिक की है, तो इसलिए जंग लगने की या कुछ भी करोजन इरोजन होने की कोई भी ऐसी दिक्कत कभी भी नहीं होगी।
इसका मेंटेनेंस एकदम ही लो है, एक्चुअली जीरो मेंटेनेंस है, जितना यूज करना है करो, फेंक दो। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये दोस्तों की ट्रैवलिंग के लिए रेजर बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल बिना झंझट आप बिल्कुल हल्का सा शेविंग किट बना के ले जा सकते हो। और अगर 7 से 8 दिन के लिए जा रहे हो और आप 1-2 दिन छोड़ के शेव करते हो तो ये कम से कम 2 से 3 शेव आपको आराम से वाइल्ड ट्रैवलिंग दे देगा। इसमें ब्लेड को शार्प वगैरह नहीं करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसा ट्राई भी ना करें, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने ट्राई करके देखा तो। शेविंग इससे बहुत ही फास्ट और बहुत ही इजी तरीके से हो जाती है। अब दोस्तों फायदे या एडवांटेज तो हमने देख लिए, अब बात करते हैं थोड़े डिसएडवांटेजेस की या नुकसान की भी, या परसेप्टिव जो हमारा परसेप्शन है कि क्या नुकसान हो सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला, देखिए एक प्लास्टिक रेजर है ये, और प्लास्टिक रेजर जैसे काफी लोग कहते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट जो है वो रिसाइक्लेबल ना हो तो वो पृथ्वी के लिए या एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब होता है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस आप मान सकते हैं। अब ब्लेड इसकी रिमूव नहीं हो सकती, माने जो ब्लेड लगी है उससे ही आपको शेव करना है, तो अगर आपको माइल्ड लग रही है तो आप शार्प नहीं कर सकते, अगर शार्प लग रही है तो माइल्ड नहीं कर सकते, जो ये है प्रीसेट वही ब्लेड से आपको शेविंग करनी है, प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते इसको। ओवरऑल अगर आप ट्रेडिशनल वेट शेविंग के साथ कंपेयर कर रहे हो तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ शेविंग है वो लॉन्ग रन में काफी ज्यादा होती है, जो प्रोडक्ट्स आपको यूज करते हो या जो डिस्पोजेबल रेजर्स आप यूज करते हो उनकी लॉन्ग रन में जो है कॉस्ट हमेशा ज्यादा पड़ती है। एक और नोन डिसएडवांटेज दोस्तों ये है कि अगर आपकी बियर्ड ग्रोथ बहुत हैवी है, जैसे 1 हफ्ते से ऊपर की अगर बियर्ड ग्रोथ है आपकी और आपके बाल बहुत ही मोटे और कड़क हैं तो ये रेजर शायद आपको उतना फायदेमंद नहीं रहेगा या इतनी कंफर्टेबल शेविंग नहीं हो पाएगी, खास करके जब वो बाल और शेविंग क्रीम इसके बीच में अगर फंस गए तो उनको निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब दिस रेजर इज नॉट एट ऑल गुड इन हैवी बियर्ड ग्रोथ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट भी हो सकता है। सो दोस्तों ओवरऑल अगर कहा जाए तो जिलेट प्रेस्टो रेडी शेवर इज अ गुड ट्रैवल रेजर फॉर मी पर्सनली, हाँ, लेकिन रेगुलर शेविंग में मैं फिर भी आज भी ट्रेडिशनल वेट शेविंग जो डबल एज रेजर है वो ही प्रेफर करूंगा। हाउएवर जो इसके फायदे हैं जैसे लाइट वेट है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, वो उस हिसाब से ट्रैवलिंग के लिए रेजर मेरे लिए बहुत सही है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरा ओवरऑल कंक्लूजन है जिलेट प्रेस्टो के बारे में। दोस्तों जिलेट प्रेस्टो अलग अलग पैकेज में अवेलेबल होता है और वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको आपको बिल्कुल ऑनलाइन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके नियरेस्ट स्टोर में बिल्कुल अवेलेबल होगा, डेफिनेटली अवेलेबल होगा। जो भी आपके एरिया में 4-5 दुकानें होंगी उनमें से या तो सब में ही अवेलेबल होगा, नहीं तो कम एक में तो अवेलेबल होगा ही होगा, और काफी रीजनेबल रेट पे एटलीस्ट एक रेजर आप ट्राई करने के हिसाब से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का अपना जिलेट प्रेस्टो रेडी शेवर का रिव्यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको वीडियो पसंद आया होगा, जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कीप अप द गुड शेव्स। बाय बाय, नमस्कार।